Hi friends, yesterday we learnt about different tenses, or you can say 12 different types of tenses, their classification criteria and their identification. Do you know why different sentences are kept in different categories, means different tenses, and why they are spoken in different ways? What is the significance of that? क्यों किसी भी बात को अलग अलग ढंग से बोला जाता है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग ढंग से, अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ बोला जाता है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या ज़रूरत है? मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाने के लिए, थोड़ा सा रिवाइज कराने के लिए आपको समझा देती हूँ कि सपोज आई एम सेइंग दैट आई ड्रिंक वाटर, कभी बोलती हूँ आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई ड्रैंक वाटर, आई हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर, तो ये सारे सेंटेंसेस में वर्ब जो है, एक्शन वर्ड है, वो तो ड्रिंक है, लेकिन कभी वो ड्रिंक हो जाता है, कभी ड्रैंक हो जाता है, कभी ड्रंक हो जाता है, कभी एम ड्रिंकिंग हो जाता है, इज ड्रिंकिंग हो जाता है, तो इसका क्या यूसेज है, क्या सिग्निफिकेंस है? वो ये है कि अलग अलग टाइम पर जब अलग अलग कोई भी काम किया जाता है तो उसके टाइम के हिसाब से उसका जो एक्सप्रेशन है वो बदल जाता है. आप हिंदी में भी नोटिस करेंगे कि जाना, सपोज एक्शन वर्ड है जाना, तो मैंने बोला कि मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा, मैं जाता रहा हूँ, मैं जा चुका हूँ. तो हमने ये सारा एक्शन वर्ड तो एक ही है जाना, लेकिन उसको हमने अलग अलग ढंग से क्यों बोला? केवल उसका टाइम, और ये बताने के लिए कि वो जो जाने का जो काम है कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है. इन सारी सिचुएशंस को अलग अलग बताने के लिए हम एक ही एक्शन वर्ड को अलग अलग ढंग से बोलते हैं. किसी एक एक्शन वर्ड की अलग अलग सेंटेंसेस में जो फॉर्मेशन चेंज हो जाती है वो क्यों होती है? उसके टाइम की वजह से, उसके कंप्लीशन की वजह से. अगर हम किसी भी एक चीज़ को एक टाइम पर करते हैं तो उस चीज़ को एक ढंग से बोलते हैं, उसी काम को हम दूसरे टाइम पर करते हैं तो उसे हम अलग ढंग से बोलते हैं. कोई काम हमारा चल रहा है तो उस चीज़ को हम अलग ढंग से बोलते हैं, और वो काम कंप्लीट हो चुका है तो उसे अलग ढंग से बोलते हैं. तो यही हम इंग्लिश में भी करते हैं. इंग्लिश में जब हम किसी सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बोलते हैं तो वो डिपेंड करता है उसके चेंज ऑफ टाइम पर, और उसके चेंज ऑफ कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस पर. ठीक है, तो इसी चेंज को हम बोलते हैं चेंज ऑफ टेंसेस. इतने लंबे चौड़े भाषण के बाद हमने इतना तो ज़रूर सीख लिया कि जो टेंसेस हैं वो कई तरह के होते हैं. कैसे होते हैं? कई तरह के, टाइम के अकॉर्डिंग और कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस के अकॉर्डिंग. लेकिन अब इन टेंसेस के अंदर जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम बनाएंगे कैसे, क्योंकि प्रॉब्लम तो हमको बचपन से लेकर वहीं आ रही है. हम अब कई बार समझ भी जाते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है बनाने में. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. जब हिंदी में हम कोई भी बात बोलते हैं, कोई भी सेंटेंसेस बोलते हैं, तो हम, जैसे मान लीजिए मैंने बोला मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा चुका हूँ, मैं जाऊँगा, मैं जाता रहा हूँ. इन सारे सेंटेंसेस में काम तो एक जाने का ही हो रहा है, मीन्स वर्ब तो एक ही है जाना, लेकिन हर सेंटेंस में हमें जाने का अलग अलग टाइम, मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा था, मैं जा चुका हूँ, मैं जाऊँगा, तो इससे साथ में जो गा रहा हूँ, ता, चुका हूँ, ये सारी चीज़ों से हमको पता चलता है कि ये जो जाने का काम है, मेन जो एक्शन वर्ड है या जो एक्शन है वो किस टाइम पर हुआ है, पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है. तो ये हमें कैसे पता चलता है? इन वर्ब के साथ साथ, वर्ब क्या है? जाना. वर्ब के साथ एक और हेल्पिंग वर्ब इसमें लगी है, जाता हूँ, तो ता इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गया, जा रहा हूँ तो रहा इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गया, जा चुका हूँ तो मेन वर्ब तो जाना है लेकिन उसके साथ चुका हूँ हेल्पिंग वर्ब हो गया, जो हमें हेल्प कर रहा है ये पहचानने में कि वो काम जो है किस टाइम पर हुआ है और कितना हुआ है. ठीक है, इसी तरह इंग्लिश में भी सेंटेंस की फॉर्मेशन करने के लिए या टेंस को क्लेरिफाई करने के लिए कि वो प्रेजेंट का है कि पास्ट का है या फ्यूचर का है या इंडेफिनिट का है, कंटिन्यूस का है, परफेक्ट का है, उसमें कुछ हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं. तो वो हेल्पिंग वर्ब्स अगर हमने पहले से ही तैयार कर लीं या फिर याद कर लीं तो हमें कभी भी
पहचानने में और उन्हें याद करने में या समझने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम सारे के सारे सेंटेंसेस और टेंसेस को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। अब तक हम ये बहुत अच्छे से सीख चुके हैं कि टाइम बताने के लिए टेंसेस केवल तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की जितनी भी हेल्पिंग वर्ड्स वर्ब्स हैं, क्यों ना हम उन्हें एक ही बार में याद कर लें कि बार बार हमें उन्हें याद करने का झंझट ना करना पड़े। तो प्रेजेंट टेंस में हम जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं, चलो हम एक साथ एक ही बार में लिख लेते हैं और याद कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होती हैं इंग्लिश में डू और डज। Do या does बोलिए, और है is, am या are, और एक और helping verbs हैं has या have। मतलब प्रेजेंट टेंस के जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो केवल और केवल इन सारी हेल्पिंग वर्ब्स की सारी हेल्पिंग वर्ब्स में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब की मदद से बनेंगे। अब ये डू या डज कब आएगा? हमें पता है कि टाइम अगर प्रेजेंट का है, काम अभी हो रहा है, तो वो प्रेजेंट है। लेकिन हमने एक चीज़ और भी सीखी थी कि काम प्रेजेंट में कितना हुआ है, कंप्लीट हो चुका है कि नहीं, अभी चल रहा है या नहीं, या फिर कितना बाकी है। तो उसके लिए टेंसेस जो हैं फिर चार तरीके टाइप्स के हो जाते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो डू और डज जो हैं, या डू या डज जो हैं, वो यूज़ होती हैं सबसे पहले वाले टाइप ऑफ टेंस में, जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह इज, एम, आर जो है वो यूज़ होती है कंटिन्यूअस टेंस में, कि प्रेजेंट टेंस में कोई काम चल रहा है, गोइंग ऑन हो रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस टेंस। उसमें हम यूज़ करेंगे इज, एम, आर। और जो जब प्रेजेंट टेंस, टेंस तो प्रेजेंट है, टाइम अभी का है, लेकिन अभी के टाइम में कोई भी काम अगर पूरा हो चुका है, कंप्लीटनेस, हम दो चीज़ें ज़रूरी हैं किसी भी सेंटेंस को बहुत अच्छे से क्लेरिफाई करने के लिए, कि वो काम अभी हो रहा है, कि पहले हुआ था, कि बाद में होगा, या फिर वो काम अभी अगर हो रहा है तो कितना कंप्लीट हो चुका है कि नहीं हुआ है या अभी चल रहा है। तो जो काम प्रेजेंट में पूरा हो चुका है, डन, कंप्लीट, परफेक्ट, उस टेंस को हम बोलते हैं है परफेक्ट टेंस। तो उसमें हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? हैज़ या हैव। मतलब अगर किसी भी सेंटेंस में हैज़ या हैव वर्ब, मेन वर्ब या जो एक्शन, जो काम हो रहा है, उसके साथ अगर हमें हैज़ या हैव देखने को मिल जाए, तो इसका मतलब श्योर शॉट है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसी तरह अगर किसी सेंटेंस में हमें डू या डज देखने को मिल जाए, तो इसका मतलब डेफिनेटली वो प्रेजेंट और साथ में इनडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसी तरह इज, एम, आर मेन वर्ब के साथ इज, एम, आर दिख जाए और दिख जाए, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि वो प्रेजेंट और कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, ये तो हो गए प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स। अब हम आ जाते हैं पास्ट टेंस में। अब यहाँ पर डू और डज थे इंडेफिनिट में, तो यहाँ पर पास्ट का जो इंडेफिनिट होगा उसमें डू या डज की जगह डिड आ जाएगा, तो वो पास्ट और इंडेफिनिट का टेंस हो जाएगा। और यहाँ पर इज, एम या आर था, तो वहाँ पर इज, एम, आर की जगह हम वॉज या वर ले लेंगे। इसी तरह हैज़ और हैव था यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो यहाँ पर हो जाएगा हैज़ या हैव की जगह केवल एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, हेड। ठीक है, और आप बोलोगे कि मैम आपने तो केवल तीन ही टाइप के हेल्पिंग वर्ब्स बताए, तो एक और फोर्थ भी है, लेकिन बस उसमें हम बीन लगा देते हैं, एक और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी तो है जो काम पहले शुरू हो चुका है लेकिन अभी भी जारी है, चल रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हैज़ बीन या फिर हैव बीन। ठीक है, और यहाँ पर हैड और यहाँ पर हैड बीन हो जाएगा। तो
अब आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ लीजिए कि अगर पास्ट इनडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है या किसी भी सेंटेंस में आपको डिड दिखाई दे जाता है तो वो कौन से सेंटेंस है, पास्ट इनडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अगर उसमें वॉज वर्ब दिख जाता है तो मेन वर्ब के साथ वॉज वर्ब दिखता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अगर हेड दिख जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, और अगर हैड बीन दिख जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसी तरह से फ्यूचर टेंस के लिए भी फिर वही चार कंडीशंस होंगी कि फ्यूचर में काम कंप्लीट हो चुका है या फ्यूचर में काम चल रहा है या फ्यूचर में जो भी बहुत सारे कंडीशंस आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो उसमें भी अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स होंगे। मेन वर्ब के साथ अगर विल आ जाएगा, विल या शैल आ जाएगा तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। मेन वर्ब के साथ अगर विल बी शैल बी आ जाएगा तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। मेन वर्ब के साथ अगर विल हैव या शैल हैव आ जाएगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और इसी तरह विल हैव बीन और शैल हैव बीन आएगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। तो ये टेबल अगर हम हेल्पिंग वर्ब्स के टेबल अगर हम पहले से ही थोड़ा सा दिमाग में रख लेंगे तो हमें आगे कोई दिक्कत आएगी नहीं। एक बार अगर हम दो तीन बार इसे अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो आपको ज़्यादा याद भी नहीं करना पड़ेगा। केवल प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर शाइन आएगा।